हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएम लखनऊ काइट्स। और दोस्तों, मैं हूं राजेश। और सबसे पहले ये बम्पर ऑफर की हम लोग बात करते हैं। एक चरखी पे चार सोनू मुरादाबाद के पौने हैं, प्लस एक चीज़ मिस हो गई है, एक चरखी का कवर भी है। दो बंडल पे एक फोल्डिंग बैग, दो चरखी के कवर है, और तीन बंडल खरीदने पे एक फैंसी बैग 3 इंच वाला और 3 चरखी के कवर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये आप देख लीजिए, विनर के लिए है। पहला विनर का जो प्राइस है वो गुड्डू पप्पू 777 12 रील। सेकंड है, ऐसे कई सारे, ये देखिए 10 विनर के में हैं नीचे तक। और ये विनर घोषित किए जाएंगे। अगर आप लोग वीएम लखनऊ काइट से जुड़े हैं तो मैंने इसकी अपडेट डाली थी कि कपूर काइट सेंटर पर ऑफर चल रहा है 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक आप कुछ भी खरीदेंगे। अभी मैं फिर से एक बार अक्षत भाई से मिलवाऊंगा, कपूर काइट सेंटर के ओनर हैं, और कैसे आपको ये प्राइस मिलेगा वो अभी अक्षत भाई बताएंगे। और फिलहाल हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा स्टॉक से भरा हुआ है। पूरा स्टॉक एक वीडियो में दिखाना संभव नहीं है। जो नए आर्टिकल होंगे सिर्फ वही अनबॉक्स किए जाएंगे और वही दिखाऊंगा। तो अक्षत भैया नमस्कार। नमस्कार। 15 अगस्त पे सुन रहे हैं बहुत सारे नए आर्टिकल हैं आपके पास। बहुत कुछ आया है, मांझे पतंगे अभी और आ भी रहा है, और इसका सिलसिला चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। एक बार बस वो बता दीजिए जो 10 प्राइस हैं। लकी ड्रॉ चल रहा है हमारा, जैसा कि आप लोग पहले से जानते होंगे, वीडियो पड़ी हुई है। 1000 रुपए की मिनिमम परचेज पे एक टिकट पड़ेगा और 10 विनर है उसके। और जैसे कोई 10,000 का लेता है तो 10 पर्ची पड़ेगी उनकी। तो 10 पर्ची पड़ेगी कब? हर 1000 पे एक। कब तक? 15 अगस्त। जैसे 16 अगस्त लगेगा ऑफर खत्म। तो 15 अगस्त तक अगर आप लोग कुछ भी खरीदारी करना चाहते हैं, खिलाड़ी हमारे भाई जितने हैं वो सब खरीदारी कर रहे होंगे जबरदस्त तरीके से। अगर आप कपूर काइट सेंटर से खरीदारी करेंगे तो वो जो लकी ड्रॉ होगा कब ओपन किया जाएगा? 15 अगस्त के बाद किसी भी छुट्टी वाले दिन, जिसमें सब लोगों का आना पॉसिबल है उस दिन। और किस चैनल पे मिलेगा देखने को? वीएम लखनऊ काइट पे जो ड्रॉ है वो निकाला जाएगा। कई सारे बड़े खिलाड़ी होंगे 15 अगस्त के बाद, जैसे ही कोई सैटरडे होगा या छुट्टी का दिन होगा उसी दिन, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शायद कुछ खिलाड़ी से बात हो जाएगी, जैसे टाइम होगा उसी हिसाब से उसको रखा जाएगा। तो जुड़े रहिए वीएम लखनऊ काइट से, बाकी मैं अपडेट फिर से देता रहूँगा। अभी आपके लिए जो जो अनबॉक्स है। जी अक्षत भाई, देखिए ये पार्सल है हमारे गुड्डू पप्पू जी का, मांझा है पूरा, देख सकते हैं आप। और गुड्डू पप्पू का ही पहला प्राइस भी है 777। ये 777 से ही करेंगे जो प्राइस की बात है। हम लोग फर्स्ट प्राइस जो है, फर्स्ट प्राइस विनर को 777 का ही मांझा मिलेगा। तो चलिए, यही बॉक्स, यही मांझा खुल रहा है, यही मिल सकता है आपको। इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, जो समय कलर होगा वो आपको मिल जाएगा। और एक चीज बताइए, जैसे 777 की बात कही है तो अगर लेने वाला उस समय मौजूद हुआ आपके पास तो क्या कलर के ऑप्शन होंगे, तो आप उसको चूज करने का देंगे मौका? दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है चूज करने कलर। तो अगर कलर ऑप्शन अवेलेबल है तो, जी अगर कलर ऑप्शन होगा तो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं कि एक अलग से मांझा बनवाया गया है, जो होंगे वो मांझे में से मिल जाएगा। स्पेशल कुछ नहीं होता है, हर कारीगर अपनी चरखी में स्पेशल मेहनत ही करता है। बहुत बढ़िया बात है, ये सबसे अच्छी बात होती है। और बरसात का बना मांझा, गुड्डू पप्पू का काम हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, काफी मेहनत करते हैं। देखिए जमाव बरसात में कितना बढ़िया है यहाँ पे, और बढ़िया तेज धार दिखाई दे रही है डोर में। तो बरसात का काम अच्छे मेकर सब जानते हैं कि डोर कैसी होनी चाहिए। जो डोर बनी है अभी इसको 6 महीना रखिए, 3D चरखी है उनकी स्पेशल, और काफी बढ़िया 3D में, बहुत ही बढ़िया चरखी, फैंसी चरखी, फैंसी आर्टिकल और बढ़िया काम। बरसात का देखिए कितना बढ़िया कांटा है बिल्कुल। अक्षत भाई प्राइस बताइए। देखिए प्राइस की बात करें तो ये 2500 रुपए की चरखी थी जो पीछे के रेट से आ रही थी, इस बार इस चरखी में 100 रुपए बढ़ गए। ओके। हाँ, बढ़ने की वजह यह है कि उन्होंने क्वालिटी थोड़ी और अच्छी करी, जो शिकायतें पीछे से आ रही थी उन बातों को दूर करा गया, और चरखी मैंने फैंसी, फिलहाल चरखी ही ऐसी लग गई है कि यहाँ 100 रुपए जो है कहने की बात नहीं है। ये नहीं, जब आप चरखी देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये 100 रुपए से ज्यादा की चरखी इसमें लगी हुई है। अगर आप ऑफर ले लेंगे तो 100 रुपए ऐसे कम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया है। तो ये देखिए 2600 रुपए
गुड्डू पप्पू का 777 है, टॉप ब्लॉक है। देखिए जब रेट बढ़ता है तो अभी मैं रेट बढ़ाता हूँ, और जिस ब्लॉक पे बढ़ता उसी पे बढ़ाता हूँ। ये नीचे एक पे उन्होंने बढ़ाया तो सब पे बढ़ जाए। ये ब्लॉक 24 का चल रहा था, 24 का ही मिलेगा 10 स्टार। गुड्डू पप्पू का 10 स्टार रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से। एक बार रैपर दिखा दिए हमको, ये देखिए ये 10 स्टार का रैपर है और ये रैपर 777 का है। अभी एक ब्लॉक और है वो भी मैं दिखाता हूँ। ओके ये चलिए, तो ये गुड्डू पप्पू का 10 स्टार है, 10 स्टार है। जरूर देखेंगे ताकि कैसा कांटा रखा है, कैसा ढर्रा रखा है। बरसात के मौसम में मेन जितने भी अच्छे मेकर, कोशिश की जा रही है, मेकर आजकल जितने भी हैं सब अच्छा काम करते हैं। और देखिए यहाँ भी देखिए आप काम धार यहीं से पता जी। खींच के लवर है ना, तो बहुत अच्छा कांटा और बहुत बढ़िया धार रखी है। टेम्पर बढ़ाया गया है बरसात के लिए, क्या तो बढ़िया काम है। बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत बढ़िया। ये नीचे का ब्लॉक है, बल्कि ये बीच का ब्लॉक है। अगर कभी कभी हर खिलाड़ी अलग अलग चॉइस का होता है तो किसी को ये डोर पसंद आएगी तो किसी को वो डोर पसंद आएगी। अच्छी है जो एक बल का पेश लड़ाते हैं, रखा और हटाया, रखा और हटाया। कटकाट के लिए बहुत अच्छा काम है। अगर आप इसको अगले मार्च में लड़ाएं, होली आने तक, 10 स्टार का प्राइस 2400 रुपए। वो डोर थोड़ा सा ऐसी बनाई गई थी कि अब दोनों डोरें खुली हैं तो मैं आपको फर्क बता रहा हूँ। थोड़ा रेंज में अगर आप जाना चाहते हैं तो 777 ले जाइए, नहीं तो ये डोर का ढर्रा बहुत बढ़िया रखा है। 10 स्टार ये इन्हीं का है, गुड्डू पप्पू का। मैदानी बादशाह 7 स्टार, मैदानी बादशाह के नाम से 7 स्टार है। तीसरा ब्लॉक है ये इनका, तीसरा ब्लॉक है। ओके, ये भी चरखी कोशिश करके अच्छे से अच्छी करने की कोशिश की उन्होंने जी। बाकी डोर बहुत अच्छी है। चलिए प्राइस रेंज में मीडियम, हम हमेशा खिलाड़ियों से कहते हैं कि शौक करिए कम प्राइस की डोर से। जब आप कम प्राइस की डोर से काटेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका खेल अच्छा होगा, आपका गेम अच्छा होगा, हुनर को निखरने का मौका मिलेगा। डोर पे डिपेंड मत होइए कि महंगी डोर लड़ा के काट दिए, सस्ती डोरों से काटिए, वही मजा है खेल का। क्योंकि यहां जो पतंग का गेम है ये आपके हुनर को दर्शाता है। जैसे जैसे नीचे ब्लॉक आ रहे हैं, देखिए यहाँ बिल्कुल उल्टी कहानी चल रही है। जैसे जैसे आप नीचे के ब्लॉक देखेंगे तो आपको शायद और मजा आता जा रहा है। इनकी हर चरखी में मजा आता है, बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल कुछ नहीं कहना है। आर पार का खिलाड़ी ले जाइए, और बिल्कुल कट काट वाला गेम है, बहुत तेज काम किया है। और कलर बिल्कुल अकॉर्डिंग बरसात बनाया गया है डोर। प्राइस बताइए पहले इसका, 2100 रुपए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुड्डू भाई, आप ऐसी मेहनत करते रहिए। गुड्डू पप्पू की डोरे 7 स्टार है, 2100 रुपए का आर्टिकल है, 2400 वाले में ब्लैक कलर, ठीक, ओके, कलर वाली डोरे। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये 777 है, ये बहुत अच्छा प्रयास है कि चरखी को थोड़ा सा फैंसी किया गया है। गुड्डू पप्पू के सारे आर्टिकल हैं ये 777, ये भी चरखी, आप देखिए कितनी बेहतरीन खूबसूरत चरखी। तो चरखी रुकवाना हो, कोई डोर का कलर पसंद आए, आप लोग अक्षत भाई को डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर रहेगा। जो लोग कपूर काई सेंटर पे आना चाहते हैं, पतंगों का पूरा जखीरा कहूँगा, दुकान नहीं है अभी, पतंगों का नंबर आने वाला है और दिखाई जाएंगी 15 अगस्त के लिए। और क्या खूबसूरत कलर है, बहुत ही बढ़िया कलर लगाया गया है। 777 चरखियां बहुत अच्छी कर दी है गुड्डू भाई, आपने ये बहुत ही अच्छा काम किया है इसमें। क्योंकि जब इतनी महंगे ब्लॉक है तो थोड़ी सी चरखी का जो है अच्छा होना, महीन करके धार रखी गई है और थोड़ा सा स्मूथ रखा है डोर को। कुछ नहीं कहना, अच्छे मेकर जानते हैं सब डोर का ढर्रा कैसा रखना चाहिए उनको। और टॉप ब्लॉक तो टॉप ब्लॉक की तरह, टॉप ब्लॉक को थोड़ा सा महीन जरूर किया जाता है। देखिए आप लोग जितना खिलाड़ी हैं, उस तरह से बनाया जाता है कि अगर आप 1100-1200 मीटर 1800 की पतंग लड़ा रहे हैं और आपको मौका मिला और आपने तेज हाथ मार दिया है तो डोर आपकी कुछ कर पाए। वरना क्या होता है, जनरली आदमी भारी पतंग उड़ाता है, आदमी यूँ रखता कट से, जहाँ आप यूँ गिरे और सामने वाले ने बल दिया आप तुरंत यूँ चले जाए, वहाँ पे डोर क्या करती है आपकी पतंग बचाए रखती है। और
ज्यादातर बरसात में ब्लैक कलर ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कलर के लवर हैं कुछ लोग जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बरसात है, नमी का मौसम है, वो कलर लेना चाहते हैं, वो कलर ही लेते हैं। और एक बात और है यहाँ पे कि कलर को लेके बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, कलर का जो माइनस पॉइंट है वो बहुत ही पॉइंट में रहता है। ऐसा नहीं है कि कलर डोर बना दी तो लड़ेगी ही नहीं, ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए। अपनी जगह पे महत्व होता है, कलर की डोर कब लड़ाई आती है जब धूप खुला मौसम हो, क्योंकि काला हीट अब्सॉर्ब करता है, हीट अब्सॉर्ब करेगा गर्म होगा चटक जाएगा। धूप में कलर की डोर लड़ती है जब नमी होती, जो आने वाला मौसम है बारिश जी, उसमें जो है काला लड़ेगा, क्योंकि जो कलर होगा वो और नम हो जाएगा बिल्कुल, तो वो काम ही नहीं करेगा। काला होगा वो थोड़ा जिंदा रखेगा डोर को। तो यही बात बताई जाती है हमेशा, बरसात के मौसम में जो इतनी कलर वाली डोरें हैं वो थोड़ा नमी को पकड़ती हैं, और काली डोर जो है वो धूप को पकड़ती है, धूप खींचती है अपनी तरफ, एब्जॉर्व करती है। तो इसलिए जो है बरसात के मौसम में काला कलर लोग पसंद करते हैं, और जितनी चटक धूप होगी आप कलर लड़ाएंगे मज़ा आएगा आपको, क्योंकि चटकने की संभावना कम हो जाती है कलर डोरों में। ये भी 777 है, फिलहाल इस बार 100 रुपये की बढ़ोतरी है, तो 2600 रुपये का मिल रहा है, क्योंकि कई सारी चीज़ों में बदलाव किया गया है। और इस बार शायद आपको डोर में और मज़ा आएगा। जो लोग 777 पहले से लड़ा रहे थे, देखिए कितना खूबसूरत कलर लगाया गया है, कलर के साथ काम को कुछ कहना नहीं है, इनके वैसे ही दिखाई दे रहा है इन्होंने जी, सही कह रहे हैं बिल्कुल। बरसात का मौसम देखिए, और डोर देखिए, निकलने का स्टाइल देखिए, तार की मालूम चलता है कि बरसात में भी इन्होंने अपनी डोर में मेहनत कराई जी, हाथ ज्यादा पड़े हैं बिल्कुल पड़े हैं, देखिए वैसे ही बारीक की गई है। पहली बात एक समझिए, बरसात में कलर बनाना, और ये छल्ला आप देख रहे हैं, टेम्पर देख रहे हैं डोर का, बहुत अच्छा महीन करके जो टेम्पर दिया है, बहुत अच्छा काम है डोर में। ये लॉन्ग रेंज की डोर है, तो कोशिश करिए जब बड़े मैच हो तब इस तरह की डोरें इस्तेमाल की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, और देखिए फिर से कुछ आर्टिकल हैं। देखिए ये अजमल पुत्तन जी का जलजला, अजमल पुत्तन जी जलजला डोर देख लीजिए, मजा आ जाएगा। एक बार पहले डोर करीब से दिखा दें हम, एक सेकंड रोक लीजिए चरखी बस। अजमल पुत्तन है, और अगर आप लोग खिलाड़ी हैं, जितने भी पुराने खिलाड़ी हैं वो सब इस नाम से वाकिफ हैं। आप इस डोर पे खाली हाथ दे के देखिए, स्पेशल मेहनत करवाई है, नाम वापस लाना है इनका। बहुत बढ़िया, पुराने उस्ताद हैं जी, और अब इनके शायद बेटे बना रहे हैं इस समय, इनके बेटे बना रहे हैं। काम देखिए, स्मूथ और धार रखी गई है डोर में, और महीन किया गया है डोर को, कोटेड डोर है, तो सारा काम दिखाई दे रहा है। जो चीज आप डोर छुएंगे ऐसे हाथ में, तो ये चीज पता चली कि कोटेड तो है, काम है डोर में। बस 2100 रुपये, देखिए प्राइस बहुत अच्छा है डोर की क्वालिटी को देखते हुए, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस काफी नीचे रखा गया है। अजमल पुत्तन, क्या नाम बताया आपने, जलजला जलजला, ओके चलिए। इनका एक ब्लॉग, डोरें खुलती रहेंगी लगातार, विद प्राइस वीडियो रहता है, ऑनेस्टी बनी रहनी चाहिए, प्राइस की वीडियो में हमेशा प्राइस रहता है, हमेशा प्राइस मिलेगा आपको, विद प्राइस ही वीडियो बनानी भी चाहिए। तो प्राइस बताने से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है भाई हम। कौन सी डोर है बताइए हमको, सोना। किसकी है ये? ये उनकी फरमुद्दीन गौसुद्दीन, तो काला सोना फरमुद्दीन की डोर है ये, और एक बार मैं दिखा दूं करीब से, देखिए बढ़िया मेकर बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा काम है। फिर एक बार ये बढ़िया कोटेड डोर आई है, बरसात के मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा मेहनत की है डोर में। कितना प्राइस है? 1850। जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा है, डोरों की क्वालिटी और बढ़िया दिख रही है, इसीलिए मैं कहता हूँ कम प्राइस की डोरों से शॉप किया करिए, जरूरी नहीं है कि टॉप ब्लॉक में जाने की जरूरत पड़े आपको। 1800 में इतना बढ़िया काम मिल रहा है, तो आपको टॉप ब्लॉक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अशफाक भाई, इनका माल फिर से ओके, ये एक बढ़िया मेकर हैं, इनका काफी स्टॉक था, अब स्टॉक फिर से आना स्टार्ट हो गया। तो आप लोग जी देखे डोर, आप मैंने खुद इनकी डोर लड़ाई है, और सिर्फ फंसा फंसा काटा है। देखिए मैं उन मेकर्स को प्रमोट करता हूँ जो मेहनत करते हैं अपनी डोर पे, उनको प्रमोट करते हैं जो मेहनत अपनी डोर से करके दिखाते हैं। इस डोर में फिलहाल बहुत अच्छा काम किया गया, फंसाने के लिए
तो प्राइस बताइए। देखिए ये पहले 1900 की थी जी, 100 रुपए बढ़ गए 2000। प्राइस बहुत कम बताया गया है, 100 रुपए बढ़ाए गए हैं, 2000 रुपए का आर्टिकल है, पहले 1900 का था। ये 1900 के प्राइस में 6 महीना पहले की बार बता रहा हूँ, आपकी पोजीशन में बहुत डिफरेंस है। अभी हम लोग और चर्चा करेंगे, पहले हम जल्दी जल्दी अनबॉक्स करते रहे। 2000 इसका प्राइस है, 2000 और ये 6 की यही चीज। ओके, मैं खोल के दिखा देता हूँ। बिल्कुल दिखाइए फिर। 6 रील सबसे जरूरी है, 15 अगस्त नजदीक आ रहा है, लोग 6 रील के आर्टिकल जरूर पसंद करते हैं। और अक्षत भाई से भी मैं कह देता हूँ कि कुछ कोशिश करिए 15 अगस्त के लिए 3 रील अगर आ जाए। 3 रील है मेरे पास शौकीन भाई की, तो हमको जरूर दिखाइएगा। अभी डोर देखिए जो आपने उसमें देखी, मुझे लग रहा है इससे अच्छी क्वालिटी। ये सब मजा छूने का है, अगर आप लोग आएंगे यहाँ पे कपूर काइट सेंटर पे तो पूरा मजा आएगा। क्या प्राइस है इसका बताइए? 1000 रुपए, वही उसी का आधा। तो चलिए ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। क्या नाम था इनका? अशफाक भाई। बहुत ही बेहतरीन 1-2-3 वाले आर्टिकल हैं, जितनी डोरे दिखाई हैं मैंने बताया नहीं, सब 1-2-3 पे हैं। और 12 के बंडल थे सारे, ये सिर्फ 1 6 रील का दिखाया है अभी। इसने का मतलब ये कि जितना प्राइस बता रहा हूँ सिर्फ 12 के बंडल का प्राइस बताया जा रहा है, यहाँ पे 1000 जो है ये 6 रील का है प्राइस। और 6 रील में बहुत सारे आर्टिकल हैं, आप लोग जुड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो अभी होंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। शब्बीर बेग, ये आपको कलर दिखाए जाए डोरों में, अगर ढर्रा फर्क किया गया है तो वो भी दिखाया जाए। इसी कड़ी में मैं कोशिश करता हूँ कि मांझे खोल के दिखाए जाए आपको, ताकि थोड़ा सा दूर बैठे हमारे जितने खिलाड़ी भाई हैं उनको थोड़ा सा तो कुछ आइडिया लगे कि डोर का कैसा काम किया गया है, कैसा ढर्रा है। लोहा है पूरी चरखी, ये नहीं कि ऊपर से भर के दिखा दिया। ये चरखी में जो जगह बचाई है, ये जगह बता रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल पत्थर जैसा टाइट कर दिया गया है, बहुत ही जबरदस्त। हम तो आपको पहले ही बता दिया ये डोर का जो काम है। कितना प्राइस बताया था इसका? 2000 रुपए है। और काले से थोड़ा कलर कौन सा है ये बताइए? ये हल्का सा वो लग रहा है, जामुनी टाइप जी, का जामुनी है। कलर है तो, लेकिन धार और जो कोटिंग की गई है डोर में बहुत ही बेहतरीन। सिर्फ महंगी डोरे लड़ाने से काम नहीं होता है, आप सस्ती डोर लड़ाइए, अच्छी डोर लड़ाइए, महंगी भी लड़ाइए भाई, रखते सब है। एक बार बताइए जैसे कोई कपूर काइट सेंटर पे ये सब डोरे देखना चाहता है कहाँ पे आए? देखिए गोलागंज में हमारी शॉप है, 4 बत्ती चौराहे पे, जो सबसे नियरेस्ट लैंडमार्क है वो HDFC बैंक गोलागंज ब्रांच, उसके जस्ट बेसमेंट में मेरी शॉप। तो स्क्रीन पे नंबर आएगा अक्षत भाई का, कहीं कोई कंफ्यूजन हो आप लोग कॉल कर लीजिएगा।